बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आलू मेथी बनाने के लिए हमें 1 किलो मेथी चाहिए, 1 किलो आलू और 3 मीडियम साइज प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच हम ऐड करेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर नमक 1.5 चम्मच और 1.5 चम्मच ही लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर मेथी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेथी को ऐड करके हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर कुक करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। प्याज जो नीचे वाला है वो सारा ऊपर ले आना है, इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसे थोड़ा पकाने के बाद अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू ऐड करने के बाद हम आलू को भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये देखें, जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। 1 कप ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि आलू और मेथी ने अपना पानी भी अभी छोड़ना है। पानी ऐड करने के बाद, इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसे ढक देंगे। हमें 25 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाना है मीडियम आंच पे। वक्फे वक्फे से हम दरमियान में 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद इसे थोड़ा सा हलाएंगे ताकि सब्जी जो है वो नीचे ना लगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करने के बाद से दफ़ा मिक्स कर दिया, हिला दिया ताकि मेथी और आलू जो है नीचे ना लगे। ये अभी ऑलमोस्ट पक चुका है, थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे। भूनने के बाद तैयार है ये हमारा आलू मेथी, तैयार है। रोटी के लिए मैं अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी अम्मी भी हेल्प कर रही हैं इसको। ये देखते हैं, मेरी अम्मी अभी रोटी को बेल रही हैं, तो ये बेल के इस तरह से अभी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी तैयार हो जाएगी। माँ की हाथ की रोटी का अपना ही मज़ा है, इसलिए मैंने अपनी अम्मी से रिक्वेस्ट किया कि रोटी आप बना के दें, तो इसे भी मैंने शूट किया। वीडियो को लाइक
शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत ही खुश रखे। ये लें जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रोटी और आलू मेथी तैयार हैं। इसके अंदर हम एक चम्मच देसी घी का ऐड कर देंगे, जिससे इसका मज़ा दुबला हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।